बैंक में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे बैंक में जाना है। क्या किसी ने सोचा था कि पैसा जमा करने और निकालने के लिए कोई ऐसी मशीन आएगी जो पैसा जमा करेगी निकालेगी? आप लोग, आप सोचते थे भैया पैसा गिनना पड़ता है, उसको काउंट करना पड़ता है, तब हम समझते हैं, तब हम लिखते हैं। अब मशीन पैसा जमा करती निकालती। दूसरा, कितने सारे ऐप आ गए, पेटीएम लो, ये लो, भारत पे, ये पे, वो पे, गूगल पे, बैंक का काम वो सब ऐप करने लगे। आपको बताएं 90% बैंक इस टाइम मर्ज हो चुकी है, सिर्फ 10% बैंक बची है, सिर्फ 10% बैंक बची है। जरा सोचिए, अभी यस बैंक का क्या हुआ था आप लोग जानते हैं? बैंक वाले, जो प्राइवेट बैंक वाले छोड़ छोड़ भाग रहे हैं कि भैया हमसे नहीं संभल रहा बैंक। अब सोचिए जरा सा, ये जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इनको जॉब नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? बैंक अपना सारा काम, अगर सोचिए जरा सा, बैंक में कितने एम्प्लॉय होते हैं, उन सबको सैलरी देना पड़ता है। अगर वो CRM सिस्टम लॉन्च कर लिया, अपना ऐप बना लिया, अपना सारा काम ऑनलाइन कर दिया, उनको लोगों की कॉस्ट खत्म, लोगों को सैलरी देने से बच गए वो। लोगों को सैलरी देने के लिए एग्जाम कराना पड़ता है, एग्जाम से क्वालिफाई कराना पड़ता है, बड़ा प्रोसेस होता है लोगों को हायर करना, उससे भी बच गए। HR पर उनको ढेर सारा खर्च करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट जो होता है उस पर खर्च करना पड़ता है, उन सब उससे बच गए यार। जितने में आपको रिक्रूटमेंट करते हैं उतने में तो नया ऐप लॉन्च कर देंगे अपना। अब सोचो जरा सा, वो इंसान को रखेंगे या ऐप लॉन्च करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो उन सब का जॉब खतरे में है, और कोई बैंक वाला मिले तो उसको समझाना जरूर, माय डियर। ओके।